बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बिजनेस कम्युनिकेशन जिसका सब्जेक्ट फॉर ENG 101 है उसके असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। लेकिन स्पेशल तरफ बढ़ने से पहले सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और न सिर्फ बेल आइकन के बटन को हिट करें बल्कि ऑल के ऑप्शन को भी सेट कर लें ताकि आपके लिए आप अपनी वीडियोज की नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉल द राइटिंग टेक्निक्स एंड रीअरेंज 3 कॉलम्स ऑन द बिलो गिवन टाइप्स ऑफ राइटिंग लैंग्वेज फंक्शन एंड टास्क। कह रहे हैं अपने जो आपने पढ़ी है राइटिंग टेक्निक्स उनको दोबारा रिकॉल करें, यानी उनको दोबारा याद करें और जो आपको नीचे इन कैटेगरीज की दी गई हैं टाइप्स ऑफ राइटिंग लैंग्वेज फंक्शन एंड टास्क, इनको 3 कॉलम्स में उनको मैच करके आपने रीराइट करना है। टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या है हमारे पास? पोस्ट कार्ड है, ईमेल्स टू प्रोफेसर है, एसे है, ब्लॉग पोस्ट है, डिसर्टेशन है। 5 है टाइप्स ऑफ राइटिंग लैंग्वेज फंक्शन, पैराग्राफ यूनिटी टॉपिक सेंटेंसेस, एक क्लासिफाइंग एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज माइंड एक्विजिशन, तीसरी, थर्ड, मेकिंग रिक्वेस्ट, अपोलोजाइजिंग, मेकिंग एक्सक्यूजेस, फोर्थ, लैंग एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब्स, लास्ट वन, फिफ्थ, वोकैबुलरी, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। आप देख रहे हैं कि जितने जितने हमारे पास हर कैटेगरी में ऑप्शंस हैं उतने ही दूसरी कैटेगरी में भी ऑप्शन है ताकि हमारे पास एग्जैक्ट मैच हो सके। टास्क में भी देख लें जो हमें ऑप्शन दी गई है वो 5 हैं। तो कंपेयर टू प्लेस यू हैव बीन, राइट अ पोस्ट कार्ड टू अ फ्रेंड, एनालाइज द रिजल्ट एंड फाइंडिंग, राइट एंड एक्सप्लेन वाई यू कॉन्ट टेक द टेस्ट, राइट अबाउट अ स्टोरी वी रीड इन क्लास। तो वो आपको एक उन्होंने टेबलेटेड फॉर्म में आपको 3 कॉलम्स दिए हैं, तो जो जो जिसके साथ मैच करता है वो आपने उसको फिलअप करना है टेबल को उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक। पहले आपने टाइप्स ऑफ राइटिंग लिखनी है, उसमें आप कौन सी लैंग्वेज फंक्शन यूज करते हैं, उसकी टास्क क्या है, आपने इन जो आपको 3 कैटेगरीज के ऑप्शन दिए हैं उनसे पिक करके जो मैच करते हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्रिएटिव राइटिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट ऑफ इमेजिनेशन। कह रहे हैं कि जो क्रिएटिव राइटिंग है उसको इमेजिनेशन या तखयलात का फन का एक समझा जाता है, आर्ट समझा जाता है। To sharpen the imaginative faculties of your mind, an incomplete start of some story has been given. कह रहे हैं आपके जो तखयलाती फैकल्टीज ऑफ जो माइंड है उसको तेज करने के लिए कि एक नामुकम्मल स्टोरी जो आगाज जिसका आगाज होता है वो आपको दी गई है। यू आर सपोज टू कंटिन्यू द स्टोरी फ्रॉम द गिवन पॉइंट एंड कम्प्लीट इट विद अ प्रॉपर एंडिंग। करें फर्ज किया जाता है कि आप वहीं से कहानी को शुरू करेंगे जो पॉइंट आपको दिया गया और एक प्रॉपर एंडिंग के साथ उसको खत्म करेंगे। द स्टोरी मस्ट रिवॉल्व अराउंड द थीम एज यू सो शैल यू रीड। करें जो आपकी स्टोरी है वो इस थीम के जिद घूमनी चाहिए, वो थीम क्या है जैसा बोलोगे वैसा ही काटोगे। टोटल मार्क्स 10 हैं। नोट द वर्ड लिमिट ऑफ द स्टोरी इज 120 to 150 वर्ड्स। कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपकी जो स्टोरी है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो राइज करना चाहिए 120 और 150 के दरमियान, यानी 150 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक्सप्लोरिंग द ऑलरेडी गिवन वर्ड्स, जो आपको एज रिसोर्स और सोशियोलॉजी के जो वर्ड दिए गए हैं उनको निकाल दिया गया है। एक्सीडिंग वर्ड्स लिमिट वुड रिजल्ट इन द डिडक्शन ऑफ मार्क्स। अगर आपकी जो स्टोरी के वर्ड जब 150 से एक्सीड कर देते हैं यानी भर जाते हैं तो नतीजे तक आपको मार्क्स में डिडक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और उसको देखते हैं। इसको मैं पहले बयान कर चुका हूँ, तो ये मेरा टेबल है। तो मैंने इसको कैसे किया, देखें टाइप्स ऑफ राइटिंग हमारे पास पोस्ट कार्ड है, तो पोस्ट कार्ड में मैंने लैंग्वेज फंक्शन यूज़ करने हैं। पोस्ट कार्ड में किस किस्म के लैंग्वेज फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक आपका ग्रीटिंग कार्ड्स की तरह का होता है, तो इसमें आप
स्लैंग एक्सप्रेशन वगैरह फेसल वर्ड वगैरह यूज करते हैं, फॉर्मल इतना नहीं होते, इनफॉर्मल वगैरह होते हैं, उनके अपने दोस्तों और रिलेटिव को दिए जा रहे होते हैं। तो इसमें जो आपके पास लैंग्वेज फंक्शन आएगा वो स्लैंग एक्सप्रेशन और फेसल वर्ब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसमें टास्क हमारे पास क्या आएगी कि राइट अ पोस्ट कार्ड टू अ फ्रेंड, डेफिनेटली इसमें पोस्ट कार्ड का वर्ड आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हम इसके एंगेज लिखेंगे। इस तरह हमारा जो 3 कॉलम का पहला रो है वो कंप्लीट हो गई है। फिर हमारे पास दूसरे का ई मेल टू अ प्रोफेसर, हमने एक ई मेल करना है प्रोफेसर को, तो हम उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज या फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या उससे वादा रवैया अख्तियार करेंगे या उसको कुछ एक्सक्लूसिव बताएंगे। तो मेकिंग रिक्वेस्ट अप्रोचाइजिंग मेकिंग एक्सक्लूसिव ये हमारा लैंग्वेज फंक्शन होगा। और उसके बाद हमारे पास जो टास्क है वो क्या होगा, राइट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू कांट टेक द टेस्ट, आपने लिखना और रात करने आप क्यों ये टेस्ट नहीं ले सकते, तो ये आपकी टास्क है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा ऐसे है, तो ऐसे में आप देखते हैं क्या होता है, हमारे पास हम पैराग्राफ लिखते हैं, उस ऐसे का जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हम एक आउटलाइन से ले लेते हैं, कुछ टॉपिक सेंटेंसेस लिख लेते हैं, फिर उन पैसेज को हम पैराग्राफ में एज ए सीक्वेंस हम उसको लिखते हैं, पैराग्राफ यूनिटी उसमें आती है। तो हम क्या करेंगे ई ऐसे में इसके अंगेस्ट हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ यूनिटी एंड टॉपिक सेंटेंसेस। फिर हमारे पास क्या है, ब्लॉग पोस्ट है सेकंड लास्ट, तो ब्लॉग पोस्ट में हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे या फंक्शन, तो हम देखते हैं वोकैबुलरी, पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस, हम ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए क्योंकि एक स्टोरी ऐसे किसी से रिलेटेड होता है, किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड होता है, तो उसमें इस दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो हम ऑप्शन नंबर 5 को इस्तेमाल करेंगे एंगेज ब्लॉग पोस्ट के। तो टास्क क्या होगी, कंपेयर टू प्लेसेस यू हैव बीन। अब हमारे पास डिसर्टेशन है, जो लास्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ राइटिंग है, डिसर्टेशन क्या होते हैं जिसको हम थीसिस भी कहते हैं, ये वो टिपिकल वर्ड है जो खासकर उस थीसिस के लिए जो पीएचडी के लिए इस्तेमाल होता है उसके लिए मखसूस है। तो आप देखें जब वो थीसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं कि क्लासिफाइंग अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, माइंड इस्तेमाल करते हैं, एक्विजिशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो टास्क से हमारी रिलेटेड क्या होगी, एनालाइज द रिजल्ट एंड फाइंडिंग, तो हमने यहाँ लिख दिया है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाना है। तो आपको बताया गया है कि क्रिएटिव राइटिंग की आपकी जो एक एबिलिटी है उसको चेक करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ उसको एग्जामिन करने की कोशिश की जा रही है। आपको एक क्या कहते हैं इनकम्प्लीट स्टोरी का स्टार्ट दिया है जिसको आपने उसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और एक मीनिंगफुल एंड उसको देना है। दूसरी जो इसकी इंस्ट्रक्शंस है उसमें यह है कि आपने वो जो स्टोरी है जो आपको एक थीम दिया गया एज यू सो शैल यू रीप, इसके गिर्द ही घूमनी चाहिए और जो नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स हैं वो 120 और 150 के दरमियान होने चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 150 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। अगर वो 150 से एक्सीड कर जाते हैं तो डिसीजन आपको नेगेटिव मार्किंग यानी मार्क में डिडक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो चलें इसकी तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन मैंने लिखा स्टोरी, मैंने बताया कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक के पैंडेमिक के दौरान अ यंग बॉय परचेज सम स्टफ फॉर रीसेल पर्पस दैट वर यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 वायरस फ्रॉम अ जनरल स्टोर व्हिच वाज द लास्ट स्टॉक एट दैट सुपरमार्केट। तो एक नौजवान लड़के ने रीसेल पर्पस के तनाजर में कुछ स्टफ खरीदा जो कि इस्तेमाल होता था एज अ सेफ्टी मेजर के कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, और जो उसने एक जनरल स्टोर से खरीदा था और वो आखिरी स्टॉक था उस मार्केट में भी और शहर में भी। एन ओल्ड लेडी केम टू परचेज दैट स्टफ इन एमरजेंसी बट ही वाज आस्किंग अ वेरी हाई प्राइस। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई उस स्टॉक को खरीदने के लिए एमरजेंसी की हालत में,
लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा हाई प्राइस मांग रहा था। एंड दैट ओल्ड पुअर लेडी पेड ऑल हर मनी टू बाय दैट स्टफ इन ऑर्डर टू हेल्प हर फ्रेंड हु वाज इन क्रिटिकल कंडीशन एट दैट टाइम। तो गरीब औरत अपने तमाम पैसे उसको दे दिए उस स्टफ को खरीदने के लिए ताकि वो अपनी फ्रेंड की मदद करे जो कि उस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में थी। आफ्टर फ्यू मिनट्स कुछ दमों के बाद या कुछ मिनट्स के बाद ही रिसीव द कॉल फ्रॉम होम। उसने घर से कॉल रिसीव की डैड इज सिक ग्रैंड मदर वाज प्रेजेंट सीवियर कंडीशन एंड आस्किंग फॉर द सेम स्टफ दैट ही वाज सोल्ड। और वो उसी स्टफ के बारे में कह रहे थे कि लेके आओ जो वो बेच चुका था। ही रश हियर एंड देयर टू फाइंड दैट ओल्ड पुअर लेडी टू गेट बैक हिज स्टफ बाय रिटर्निंग मनी। उसने तेजी से वो इधर उधर गया उस बुरी औरत को गरीब बुरी औरत को ढूंढने के लिए ताकि वो अपनी चीज़ें वापस ले उसको पैसे वापस करके। बट ही फेल टू फाइंड आउट हर लेकिन उसको ढूंढने में नाकाम रहा। एंड व्हेन ही रिटर्न बैक होम हिज ग्रैंड मदर वाज पास अवे। जब वो घर पहुंचा तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी यानी दादी वो मर चुकी थी। तो आपको मैं यहाँ से एक चीज़ और बताता जाता हूँ। ये देखें नंबर ऑफ वर्ड जो मेरे यहाँ है वो सॉरी तो उम्मीद करता हूँ आपको ये असाइनमेंट समझ में आई होगी। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।